750 में भी खर्च कर सकते हैं आप। अच्छा 750 में साउंड, और अगर बेस, अगर बेस का एक्सपीरियंस करना है तो 2000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, जो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं है। और अंदर जो है हाइट की बात करें, 24 इंचज की हाइट है, 8 इंचज के अंदर सबवूफर लगा है, 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची सिंगल टावर है, सिंगल टावर रहेगा जो, और जो कंट्रोल है ना बहुत अच्छा, अंदर ही फिक्स करा हुआ है बिल्कुल। साउंड के लिए हम लोग जाने जाते हैं, साउंड ही ना देंगे तो फिर कौन हमें पूछेगा। बिल्कुल 3 इंच के 2 ड्राइवर दिए गए सामने, साइड में 8 इंची जो है बूफर दिया गया है, डीप बेस के अंदर है ये वाला, यहाँ से ये वॉल्यूम कंट्रोल होता है, यहाँ देखेंगे तो RGB लाइट प्राइस में मिलेंगे कि पूरा मार्केट घूम लेना राइट। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि ट्रॉली के अंदर भी आपको डीप बेस दे देंगे, जो आप 50,000-80,000 रुपए खर्च कर देते हो बट आपको वो चीज नहीं मिलती, वो भी आपको मिल जाएगी डीप बेस। ये सब लोगों को डबल टावर है, 33 इंच इसकी हाइट है, टोटल वुडन के अंदर है, 11.5 mm कैबिनेट है, 2 मिड रेंज है 4 इंची, 2 ट्यूटर है 4-4 इंची के, 10-10 इंची के 2 सबवूफर्स है, 120 मैग्नेट के अंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट होने वाला है चलाने के बाद। ये देखिए इसके अंदर प्राइस की बात करूं तो 10,000 रुपए इसका प्राइस है। चलिए सर, ये देखिए अब इसके बारे में बताइए, बिल्कुल जैसे जो अभी लेटेस्ट ही लग रहा है मेरे को। बिल्कुल सर, ये समझ लीजिए आप ही की वीडियो में मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद आगे बताता हूं आपको, 8-8 इंच के 2 इसके अंदर जो है सबवूफर्स दिए गए हैं फ्रंट के अंदर, फ्रंट फायर बूफर है, और डीप बेस जो है इसका साउंड रहने वाला है, डीप बेस के अंदर ये प्रोडक्ट रहने वाला है। सबसे बड़ी बात मॉस्फेट सर्किट के अंदर है, हीट सिंक इसकी बाहर कर दी गई है, हैंडी है, यहाँ से आप उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं, 25 kg के अराउंड इसका वेट है। जो बात है बाद में करेंगे, सबसे पहले जो इसकी हाईलाइट है वो है इसका प्राइस। प्राइस इसका तो इसका प्राइस लगभग कितना रहने वाला आपके प्राइस इसका? और ट्रॉलीज में आपको फीचर नहीं मिलते हैं, यानी अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं आपको लग रहा है कि मेरी आवाज भारी है तो उसको थोड़ा पतला कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो। तो हमारे साथ अब यहाँ पे जुड़ चुके हैं फ्लो बीट्स के जो ऑनर है जतेंद्र भी, हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं फिर से। तो जतेंद्र भाई, जैसे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी बहुत गजब के स्पीकर दिखाए थे। बिल्कुल सर, लेकिन उस दिन के बाद से आज जो आप कलेक्शन दिखाने वाले वो एकदम मतलब कहते हैं धमाकेदार, राइट, मतलब डीजे फेल ऐसे स्पीकर दिखाने वाले। एक्जैक्टली ऐसे दिखाएंगे और बेस भी ऐसी ऐसी आपको सुनवा देंगे कि आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। अब ये एक्सपीरियंस अगर किसी को करना है तो मिनिमम कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? कम से कम बेस का एक्सपीरियंस करना है या वैसे साउंड का? साउंड का, साउंड का एक्सपीरियंस करना है तो 750 में भी खर्च कर सकते हैं आप। अच्छा 750 में साउंड, और अगर बेस, अगर बेस का एक्सपीरियंस करना है तो 2000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, जो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर ऐसा बेस एक्सपीरियंस करना है कि अड़ोसी पड़ोसी भी पूछे भाई क्या बजा रखा तुमने, तो फिर आपको जो है 5500 खर्च करने पड़ेंगे। स्मॉल हीरा मिल जाएगा हमारा, स्मॉल हीरा, हाँ 5200 भी खर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा ये इस टाइप के डबल डबल टावर, छोटे छोटे टावर भी हमारे पास मिल, मतलब बहुत कुछ है जी हाँ। और अगर पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों को परेशान करना है तो हीरा 2 ले जाइए। अच्छा हीरा 2, जी हाँ, 4 घर छोड़ के जिसको है वो भी परेशान हो जाएंगे। तो ये हीरा सूर्यवंशी वाला है? नहीं, ये हमारा है। अच्छा आपके वाला है। चलिए आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आज हम वीडियो में कलेक्शन दिखाना? कलेक्शन चलो मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ, जैसा कि ये इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। 017 मॉडल है ये हमारा, इसके अंदर जो है हाइट की बात करें 24 इंच की हाइट है, 8 इंच के अंदर सबवूफर लगा है, 4 इंच मिड रेंज, 4 इंच सिंगल टावर है, सिंगल टावर रहेगा। ये 2 लगे हुए थे ना मेरे? नहीं ये सिंगल सिंगल है, दोनों अलग अलग अलग। अच्छा ये देखिए ऊपर सिस्टम, ये ऊपर आपको जो पूरा कंट्रोल मिलता है इसके, ये आपका जो है जो कंट्रोल है ना बहुत अच्छा होता है, अंदर ही फिक्स करा हुआ है, अंदर फिक्स किया हुआ है। ये टॉप में रहेगा ये जो भी है कंसोल इसका, और यहाँ से वॉल्यूम है, यहाँ पर देखेंगे आप जब मैं वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहा हूँ यहाँ आपको शो होगा, और यहाँ से देखेंगे तो आप बेस वगैरह इसकी आपको शो होगा। ये देखिए पूरा डिस्प्ले यहाँ चल रहा है। अब ये मैं प्रेस करूँगा तो बेस, और इसको प्रेस करूँगा तो ये ट्रबल, और इसके बाद ये सारे आगे माइक के फंक्शन है, कि नहीं कैरियो के सिंगिंग भी कर सकते हैं आप ये। अच्छा सारे ये माइक का वॉल्यूम, तो उसके साथ माइक मिलेगा या माइक अलग? नहीं, माइक आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, पीछे इसके माइक आप लगा सकते हैं, और टीवी के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्स केबल से। उसके अलावा इसके साथ आपको रिमोट भी मिलता है, पेन ड्राइव आप ऊपर लगा सकते हैं इसको, उससे आप जो है सॉन्ग्स इन्जॉय कर सकते हैं। तो एक बार इसको प्ले कर लेते हैं हम लोग जी। तो ये किस प्राइस में मिलने वाला है? प्राइसिंग की बात करें तो 3300 रुपीज का सिर्फ प्राइस है, 3300 रुपए। काफी जबरदस्त था भाजी। जी हाँ बिल्कुल सर, साउंड के लिए हम लोग जाने जाते हैं, साउंड ही ना देंगे तो फिर कौन हमें पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक चीज मेरे को और बताओ कि अगर जैसे मार्केट में काफी सारे स्पीकर्स आ रहे हैं,
कस्टमर को आपसे क्यों, मतलब फ्लो बीट्स पे एक बार क्यों आना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कोई नहीं करता। देखिए, हम लोग जो है यहाँ आपको बेस के सिग्नेचर समझाते हैं, पंच बेस, डीप बेस, रोलिंग बेस। अब रोलिंग बेस और डीप बेस क्या है? डीप बेस जो है बेस एकदम से जो ट्रैवल करके भर के जो आप तक आती है, और रोलिंग बेस वाइब्रेशन जो गाड़ियों वाली बेस आपको घरों के अंदर जो फील मिलती है। इस तरीके से हमने क्या है कि बेस को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, जिसकी वजह से लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मोसफेट सर्किट हम लेके आए मार्केट के अंदर, अभी तक लोग जो है बत्तर चलाने सर्किट में ही बना रहे थे, हमने हैवी सर्किट लेके आए, मतलब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लेके आए, जिसकी वजह से क्या कस्टमर ने हमारे तरफ इंटरेस्ट दिखाया और हमसे बाय करने की जो है काफ़ी जो है कोशिशें की और करते भी हैं। बिल्कुल, मतलब देखा जाए तो पूरे पूरे आप डॉक्टर उस भी करोगे हैं। हाँ, अगर ऐसा भी आप बोलेंगे तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी मतलब अगर आप ऐसा भी बोल देते कोई गलत नहीं है। बिल्कुल, एक और चीज़ है, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ कुछ होता नहीं है, मेरे यहाँ बेस के सिवा कुछ मिलता नहीं, कुछ मिलता नहीं है। सही बात है। चलिए, तो अब इसके बाद कौन से स्पीकर की तरफ बढ़ने वाले है? ये 3000 रुपीस की रेंज में 015 मॉडल है, सेम उसी के टाइप का ही है। सामने 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची ट्यूटर है, 8 इंची का इसके अंदर जो है बूफर दिया गया है इस साइड पे देखेंगे तो। और कंट्रोल इसके फ्रंट के डिस्प्ले यहीं पर ही है, यहाँ पेन ड्राइव आप लगा सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो ये जो है इसका वॉल्यूम है, यहाँ पे लाइट जलेगी? जी हाँ, यहाँ लाइट जलेगी और यहीं इसी को प्रेस करेंगे बेस, इसी को प्रेस करेंगे ट्रबल है। हाइट इसकी 24 इंच है, प्राइस इसका 3000 रुपए, साउंड दोनों का बिल्कुल सेम रहने वाला है। ये 015 बिल्कुल, और ये 017 और 015 दोनों का एकदम सेम। और जो स्पीकर में इसमें लाइट जल रही है इसके अंदर भी जलेगी? इसके अंदर भी लाइट आपको मिलेगी स्पीकर्स के अंदर? जी हाँ, स्पीकर्स के अंदर भी आपको लाइट मिलेगी। और इसके अलावा 3000 रुपए की रेंज में हमारे पास एक और ये देखिए ये वाला मॉडल है FTS 30। FTS 30 में 3-3 इंच के दो ड्राइवर दिए गए हैं, सामने साइड में 8 इंची जो है बूफर दिया गया है। डीप बेस के अंदर है ये वाला, यहाँ से ये वॉल्यूम कंट्रोल होता है। यहाँ देखेंगे तो RGB लाइट्स यहाँ पर छोटी छोटी दी गई हैं, पेन ड्राइव आप यहाँ लगा सकते हैं। और ये अगर देखेंगे तो यहाँ आपको डिस्प्ले मेंशन होती है और रिमोट के साथ आता है ये भी, टीवी के साथ इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑक्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो बेस वाली बात आपने बताई ना, ये शायद ही बहुत लिमिटेड लोगों को पता होती है। हाँ सर, अब किसी को भी नहीं पता था, बट ये कि अब कहते हैं ना कि हाँ भी इनको जब तक कॉपी नहीं करेंगे तब तक हमारा नहीं बिकेगा, तो अब आगे आगे आपको देखने को मिल जाएंगी ये चीज़। बिल्कुल, बट तब तक हम कुछ और पकड़ लेंगे, कुछ और नहीं चीज़ लेंगे। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या निकाला? इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो डबल टावर की तरफ चलते हैं। डबल टावर में अगर आप देखेंगे तो ये बाकी इस पे भी काफी लोगों की नजर बार बार जा रही होगी, लेकिन पूरा वीडियो देखना, ये सब के बारे में बताने वाला है और ऐसे अनबिलीवेबल प्राइस में मिलेंगे कि पूरा मार्केट घूम लेना। राइट, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि ट्रॉली के अंदर भी आपको डीप बेस दे देंगे, जो आप 50,000 80,000 रुपए खर्च कर देते हो बट आपको वो चीज नहीं मिलती, वो भी आपको मिल जाएगी डीप बेस। अब ये डबल टावर आपको दिखाते हैं। डबल टावर अगर आप देखेंगे 5.5 इंच की इसके अंदर बेस है, 3-3 इंच के दो उसके अंदर स्पीकर दिए गए हैं फ्रंट के अंदर मिड रेंज। हाइट इसकी 18 इंच है, डबल टावर, टीवी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव आप यहाँ लगा सकते हैं, रिमोट कंट्रोल के साथ इसका जो पूरा कंट्रोल है, ये सामने जो सारे आप देख रहे हैं ये सारे कंट्रोल दिए गए हैं, मोड, नेक्स्ट, प्रीवियस और ये प्ले एंड पोज। और इसके साथ आप ऑक्स भी लगा सकते हैं टीवी से कनेक्ट करने के लिए, तो सारे फंक्शंस के साथ ही आपको मिल जाएगा। प्राइस मात्र 3200 रुपए है इसका। अच्छा, डबल टावर 3200? डबल टावर सिर्फ 3200 रुपए, मतलब सिंगल 3000 का, डबल 3200 का, सिर्फ 200 रुपए का डिफरेंस। हाँ, एक्चुअली क्या इसमें 5.5 इंची का बूफर है, इसके अंदर 8 इंची बूफर है। बिल्कुल, तो ये डिफरेंस जो है कहीं ना कहीं आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा इसका भी कंट्रोल जो है ऊपर आपको देखने को मिल जाता है ये। बिल्कुल, और यहाँ अगर आप साइड पे देखेंगे तो 8 इंची बूफर यहाँ पर, 8 इंची बूफर यहाँ पर, पंच बेस के अंदर ये सिस्टम रहने वाला डबल टावर। जिनके घर में स्पेस कम है, जिनको छोटा टावर चाहिए, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि हमें साउंड आउटपुट ज़्यादा चाहिए बट साइज कम हो, साइज कम हो। उसके अलावा फुल रेंज के स्पीकर्स यहाँ पर लगे हैं, वुडन कैबिनेट है इसकी, वुडन के अंदर है। और कैबिनेट की थिकनेस की बात करें तो 7.5 mm की इसकी थिकनेस रहती है, टीवी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। 5200 रुपीज़ का प्राइस रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाजी देखा जाए तो साउंड की क्वालिटी इसकी भी जबरदस्त है। राइट, और प्राइस की बात करें तो 5200 सिर्फ प्राइस है इनका। 5200? जी हाँ। और इसके बाद हम चाहते हैं कि अपने बड़े सिस्टम्स की तरफ चलें। आपको मैंने पंच बेस दिखा दिया, डीप बेस में छोटा भी सुना दिया, बड़ा भी सुनवाएंगे। अब एक आपको रोलिंग बेस के अंदर भी सुनवाएं, हीरा 2, जिसके जैसा कि आपने भी देखा भी कस्टमर आए, हीरा 2 ही हो रही थी, तो एक बार उसके बारे में बताते हैं उसको आपको। मतलब आपके पूरे वेयर हाउस में हीरा 2 टॉप पे हैं? हाँ, हमारे वेयर हाउस नहीं, हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में। हाँ, अगर सिस्टम्स की बात होगी तो हीरा 2 ही होगा, इसके बाद हीरा 3 अपना जलवा बिखेरे, मतलब ये वाला हीरा नाम रोशन कर रहा है। तो पाजी अब हम देखने वाले हीरा 2। जी हाँ, वीडियो बने और हीरा 2 की बात ना हो तो वीडियो अधूरी रह जाती है। हीरा 2 डबल टावर में आता है, जिनको नहीं पता उनको बताया था, वैसे तो सब कुछ पता ही है सब लोगों को। डबल टावर है, 33 इंच इसकी हाइट है, टोटल वुडन के अंदर है, 11.5 mm कैबिनेट है, 2 मिड रेंज है 4 इंची, 2 ट्यूटर है 4-4 इंची के, 10-10 इंची के 2 सब वूफर्स है, 120 मैग्नेट के अंदर।
और एम्पलीफायर सबवूफर सर्किट के अंदर है, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया कार वाली सबवूफर्स के उसके उसके ऊपर रख के, ताकि उस टाइप की आपको बेस मिले। तो वही बेस का फील आपको करवाने के लिए हम इसको प्ले करते हैं। प्लीज आप हेडफोन्स लगा लीजिएगा। अब मतलब देखा जाए तो मतलब कार वाला एक्सपीरियंस घर के अंदर मिलने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा आपको, और मिला भी है तभी लोगों ये देखिए हमने आप लोगों के लिए, ताकि वीडियो में समझ में आए आपको कि इसका बेस का क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट होने वाला है चलाने के बाद। ये देखिए भाजी पूरा हिला दिया इसने अभी तो, हमने पूरी साउंड चला रखी है, फुल थी। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, टेक्निकली चीजों के ऊपर मैं बात करता हूँ ताकि आपको भी पता लगे यार सिस्टम खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब क्या होता है कि जब आप वॉल्यूम फुल कर दिए, बेस तो आपको मिल गया, बट क्या स्लो वॉल्यूम के अंदर भी आपको पूरा बेस मिलता है? नहीं मिलता। यहाँ पर जो है आपकी चीजें या आपके प्रोडक्ट जो है वहाँ मार खा जाते हैं, मगर आपको हीरा 2 के अंदर आपको स्लो वॉल्यूम में पूरा बेस सुनाएंगे हम। ये देखिए बिल्कुल, देखिए थोड़ा अगर आपको सॉफ्ट म्यूजिक सुनना है उसके अंदर भी प्रॉपर। ये देखिए पूरा बेस मिला। कई बार ऐसा होता है कि इसे बेस जैसे होता है और साउंड क्वालिटी बिल्कुल उसके अंदर अच्छी नहीं होती है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, वो क्या होता है कि कुछ लोग जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो साउंड का कैलिब्रेशन नहीं बना पाते, यानी हम जब सिस्टम तैयार करते हैं, एक बूफर होता है और एक सर्किट होता है और ये एक जो है कार्ड बोला जाता है इसको, डिस्प्ले कार्ड, इन तीनों का जो है मैचिंग करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर के साथ इनकी मैचिंग करवानी पड़ती है। वहाँ लोग जो है भूल जाते हैं या मात खा जाते हैं या उनको इन चीज़ की नॉलेज नहीं होती। तो हमारे केस में क्या होता है कि हम पहले पूरी जो इसके सॉफ्टवेयर से मैचिंग कराते हैं सिस्टम की, बूफर्स की और अपना सब बूफर्स की, और इसकी बात करें अपना सर्किट की, उसके बाद जो है कैलिब्रेशन बनाई जाती है ताकि आपको एक परफेक्ट सिस्टम मिले, जो हमारा थॉट है सिस्टम निकालने का। पूरा मजा लेने आते तो 5500 में आपको स्मॉल हीरा मिल जाएगा। ये देखिए ये भी 8-8 इंच के 2 सबवूफर्स हैं इसके अंदर, 2 मिड रेंज, 2 ट्यूटर्स दिए गए हैं आपको, 24 इंच की हाइट है, वही सारी डिस्प्ले सेम है, 5.0 एडवांस ब्लूटूथ। यहाँ आप देखेंगे तो पेन ड्राइव लगा सकते हैं, रिमोट कंट्रोल से इसको आप प्ले कर सकते हैं जी। 5500 रुपए प्राइस। तो भाई अब नेक्स्ट स्पीकर हीरा के बाद क्या देखने वाले हम? नेक्स्ट स्पीकर हीरा के भी ऊपर की चीज आपको दिखाने वाला हूँ, जो क्लैरिटी क्वालिटी और लुक के मामले में जिसकी कोई टक्कर नहीं है। 9600 मॉडल जिसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया है, जेड ब्लैक लुक के अंदर ये आपको सिस्टम पूरा मिल जाता है, फुली जेड ब्लैक। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर फ्रंट में आपको पैनल देखने को मिलता है, और अगर आप ग्रेस देखेंगे इसकी तो इसमें काफ़ी मेहनत हुई है, आपको कहीं पर भी इसके अंदर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि यार यहाँ कमी छोड़ दी गई है। 2 मिड रेंज है, 4-4 इंच के, 2.5-2.5 इंच के ट्यूटर हैं, और यहाँ देखेंगे तो एयर पाइप बहुत ही वाइड दिया हुआ है क्योंकि मॉसफेट सर्किट है इसके अंदर, एयर का प्रेशर जो है बेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। 8-8 इंच के 4 जो है सबवूफर्स दिए गए हैं जिनकी मैग्नेट 90 है, और इसके साउंड सिग्नेचर की बात करूं तो 70% इसके अंदर डीप है और 30% इसके अंदर रोलिंग बेस आती है। रिमोट से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी उससे भी बड़ी बात ये है कि इसकी जो अब पाजी आपने ना बहुत सारी थ्योरी बता दी, अब एक बार इसका प्रैक्टिकल करके बता दो, क्योंकि ना मेरे तो देखो सर के ऊपर से निकल गया जो आपने बताया, बहुत टेक्निकल चीज़ें थी, बाकी जो थोड़ा सा टेक्निकल बंदा होगा वो समझ गया होगा राइट। बाकी हमारे जैसों के लिए जिनको टेक्निकल इतनी नॉलेज नहीं है, बाकी हमारे कानों को ये था प्रैक्टिकल तो मतलब जितना आपने डीपली समझाया था और उस वाकई में उसी हिसाब से उतनी ही अच्छी क्वालिटी है, और जैसा आपने बताया था उससे वाकई में बेटर है। हाँ बेटर है उससे, ये आप मूवी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो। यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आपको पूरा होम थिएटर का फील आएगा इसके अंदर। प्राइस की बात करूँ तो 10,000 रुपये इसका प्राइस है, और उसके अलावा इसके अंदर एक आपको 9600 प्रो मॉडल भी मिल जाएगा। प्रो में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक आपको माइक एक्स्ट्रा मिलता है, माइक के साथ ये 10,500 का प्रोडक्ट पड़ जाता है। बिल्कुल, मतलब कोई अगर गाने का शौकीन है तो गा भी सकता है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बस भाई सुर में हो तो ही गाना। बिल्कुल। अब पाजी एक चीज मेरे को और बताओ, जैसे आजकल डॉल्बी साउंड चल रहा है, ये जो सब चल रहा है, ये अपने पास वॉल स्पीकर भी है क्या जिसमें डॉल्बी साउंड रहेगा? सर अभी हम डॉल्बी में नहीं गए, 2 आए थे हमारे पास अपना स्मॉल टावर थे छोटे छोटे, वो डॉल्बी के अंदर थे, डॉल्बी 8 मॉडल था, बहुत ही स्पीड से बिका था वो मॉडल,
बट वो किसी रीजन की वजह से एक्चुअली क्या था, ये डॉल्बी की जो चिप होती है ना, हाँ जी, ये आपको सर्टिफाइड परचेज करनी पड़ती है। जैसे आप देख रहे हो ना, कुछ भी ये डॉल्बी या डॉल्बी ऐसा कुछ भी नहीं होता, डॉल्बी का एक चिप खरीद के आपको लगानी पड़ती है, जो डॉल्बी वालों की तरफ से ही अलॉट होती है। मतलब हर कोई ऐसा नहीं कि लगाया वो, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें फेक है जो आपको बोलते हैं डॉल्बी डॉल्बी डॉल्बी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी उनमें फिर रेंज आपकी बहुत हाई निकल जाती है, बहुत हाई निकल जाती है। तो वो एक हमारा लक था, हमें कहीं से कुछ मिल गई चीजें, बिल्कुल तो हमने उस टाइम पे लगा दी। बट एक्चुअल में जो है कंटिन्यू उसको इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि प्राइस उनकी बहुत हाई जा रही थी और फिर इतनी मार्केट जो है नहीं पे कर पाती। छोटी मॉडल्स अवेलेबल हैं, बट ये है कि अगर हम बड़े बड़े टावर्स की बात करें तो वो हमारे पास ऐसे हैं कि जिनका मीनिंग है, मतलब जिनको थॉट के तौर पे बनाया गया। जैसे कि हम फैटमैन की बात करते हैं, हाँ जी। अब फैटमैन मैंने क्या सोच के बनाया था कि जो ये देखिए, ये 10-10 इंची चार सबवूफर्स के अंदर है, 70% पंच बेस और 30% रोलिंग बेस है। अब इसका क्या है कि ये फैटमैन जो 1945 के ऊपर 45 में अमेरिका ने जो जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया था, हाँ जी, हाँ जी, ये उसके नाम के ऊपर मैंने इसका नाम रखा था फैटमैन, ताकि जब ये चले इसकी गूंज जो है पूरे इंडिया में सुनाई दे। तो इस टाइप का मैंने थॉट रखा और इसे मैंने इसको मॉस्फेट सर्किट में बनाया। बिल्कुल। तो प्राइसिंग की बात करूं इसकी, ये भी 10,000 रुपए का है। तो इस टाइप के मेरे पास बहुत मॉडल आपको मिल जाएंगे। चलिए पाजी, ये तो आपने सब बता दिया। अब इसके बाद बड़ी देर से मेरी भी नजर उन्हीं पे जा रही है और सब लोग वेट भी कर रहे हैं। इस पे है नजर कि नहीं आपकी? इस पे तो है ही। चलिए चलिए सर, ये देखिए, अब इसके बारे में बताइए। बिल्कुल जैसे जो अभी लेटेस्ट ही लग रहा है मेरे को। बिल्कुल सर, ये समझ लीजिए आप ही की वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। इसकी पहले हाइट बता देते हैं। हाइट है इसकी 36 इंच। ये देखिए पाजी के आ रहा है कमर तक, नहीं कमर से थोड़ा, कमर से थोड़ा, मेरी हाइट कम है ना, कमर में ही आएगा। तो इसके बाद आगे बताता हूँ आपको। 8-8 इंच के दो इसके अंदर जो है सबवूफर्स दिए गए हैं फ्रंट के अंदर। फ्रंट फायर बूफर है और डीप बेस जो है इसका साउंड रहने वाला है, डीप बेस के अंदर ये प्रोडक्ट रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, मॉस्फेट सर्किट के अंदर है, हीट सिंक इसकी बाहर कर दी गई है, हैंडी है, यहाँ से आप उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। 25 kg के अराउंड इसका वेट है। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात है कि इसका जो कंट्रोल है ये ऊपर दिया गया है। यहाँ देखेंगे आप तो पेन ड्राइव आप यहाँ लगा सकते हो, माइक आपके कंट्रोल्स यहाँ दी गए हैं। इसके अलावा फ्रंट में इसकी डिस्प्ले है, फ्रंट से आप रिमोट से जो इसको कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जो 8 इंची के अंदर बूफर्स की जो मैग्नेट है वो 100 की दी गई है, जबकि आपको नॉर्मली 90 मैग्नेट्स में हमने अभी तक सिस्टम प्रोवाइड करे हैं ज्यादातर। वैसे 120 मैग्नेट भी है हीरा 2 की बात करें, बट ये सिस्टम जो है इसके अंदर आपको 100 की मैग्नेट मिलती है। और सिंगल टावर के अंदर 8-8 इंच के दो सबवूफर्स आपको मिलते हैं, 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची ट्यूटर। और इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें कैबिनेट की, तो ये आपको 12 mm की थिकनेस मिल जाती है। और इसकी स्किन की बात करें तो ये लेदराइट स्किन है जी हाँ, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए थे। चलिए इसको भी हम प्ले कर लेते। बिल्कुल, इसको प्ले नहीं करा फिर तो पाप लगेगा भाजी। तो मतलब पाजी सुनिए तो एकदम मतलब धुआं ही उठा दिया, वो कहते हैं ना गदर गदर। हाँ, और इसकी एक और खासियत बता दूं आपको कि इसके अंदर अगर आपको लाइट नहीं चाहिए तो आप लाइट भी बंद कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा जी, ये यहाँ डिस्प्ले आ रही है बट लाइट बंद हो गई, लाइट बंद हो गई, बट लाइट बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैंने सिंगल कलर में दिया है, कोई मल्टीपल कलर्स नहीं दिए इसके अंदर। किसी को अगर अपने जैसे क्या कहते हैं रूम में भी लगाना है, या किसी का जैसे हमारा ही रूम हो गया जैसे एडिटिंग वगैरह का, तो वहाँ पे अच्छा एम्बियंस क्रिएट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को ना काफी टाइम से बोल रहे थे कि हमें सिंगल के अंदर कोई हैवी टावर दो, कि मतलब जो डबल का भी मजा बांध दे। तो मैंने कोशिश की है और कोशिश ऐसी की कि मॉस्फेट सर्किट ही दे दिया सिंगल टावर के अंदर, जबकि इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी मॉस्फेट सर्किट को सिंगल टावर के अंदर देना, बट मैंने कोशिश की और कामयाब सेट भी हुआ। और प्राइसिंग की बात करें तो मात्र 5200 इसका प्राइस है। तो पाजी अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पीकर की जिसकी हैवी डिमांड और बाजार में लाख रुपए से कम में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। और अपने पास में अगर ये किसी को परचेज करना है, इसके हम डिटेल की बात जो बात है बाद में करेंगे। सबसे पहले जो इसकी हाईलाइट है वो है इसका प्राइस। प्राइस इसका, तो इसका प्राइस लगभग कितना रहने वाला है आपके? प्राइस इसका 18,500 रुपए रहने वाला है। 18,500 जी हाँ, बट क्या है कि लोग इसको इससे भी कम में बेच देते हैं, 15,000, 17,000, 16,000। अब क्या फर्क रहता है ये देखिए, इसको देखो और इसको देखो एक बार दोनों को। चलो मैं सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट कर देता हूँ। जी हाँ, यहाँ से देखिए एक बार वहाँ लेके आओ। अब देखो दोनों में पूरा ही दिखा देता हूँ मैं, पहले पूरा इसका बॉडी, इसका वेट। हाँ, अब ये चीज देखो, इसकी जो जाली बनी हुई है, जाली बनी है पीछे, प्लस इसकी जो एलईडी जो पैनल है ये देखिए, मतलब जो डिस्प्ले लाइट है वो, हाँ जी, फ्लेम। हाँ जी। अब ये और वो जो फ्लेम लाइट है इनमें फर्क है।
अब ये क्या, ये एकदम फाइन फ्लेम है, यानी जो एलईडी वाला होता है, जो टीवी वाला होता है, प्योर बिल्कुल। हाँ, और ये जो है ये सेकंड में आता है ये फ्लेम, जिसकी वजह से क्या लोग धोखा खा जाते हैं और थोड़ा सा अंतर जो है 1500 का अंतर दे के फटाफट उसकी तरफ भागते हैं, तो वहाँ वो लोग जो है अपने पैसों का नुकसान कर बैठते हैं। तो मैं क्लियर एक बात कहना चाहता हूँ, भले ही मत खरीदो, थोड़ा टाइम रुक के लो, बट चीज़ हमेशा जो है बढ़िया लो, एकदम क्लासी चीज़ लो, ताकि जो है आपको आपके पैसे की वर्थ मिले। उससे भी बड़ी बात ये है कि देखिए, हम जो प्रोडक्ट बनवाते हैं या हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि ये ट्रॉली है, हम डीप बेस के अंदर ये ट्रॉली दे रहे हैं, जबकि मार्केट के अंदर आपको डीप बेस के अंदर ट्रॉली नहीं मिलती। यहाँ आपका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, और आप सोचते हैं कि मैंने जो है 1500 रुपये बचा लिए, मगर ऐसे पैसे बचाएगा कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इस ट्रॉली के अंदर जो आपका माइक है, आप माइक के भी बेस ट्रबल को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि और ट्रॉलीज में आपको फीचर नहीं मिलते हैं। यानी अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी आवाज भारी है, तो उसको थोड़ा पतला कर सकते हैं। जैसे यहाँ को करके भी दिखाता हूँ ये, बिल्कुल। हेलो 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 हेलो, ये जैसे भी हेलो 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 हेलो। अब देखिए मेरी आवाज जो है भारी हो गई है, बिल्कुल। हेलो 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 हेलो, अब देखिए मेरी आवाज पतली हो गई है। अगर मेरे को बेस बढ़ाना है तो देखिए मैं ये बेस बिल्कुल कम कर देता हूँ, ये बेस ज्यादा कर देता हूँ। तो आवाज में भी आप अपना भारीपन पतलापन लेके आ सकते हैं, अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, और उससे भी बड़ी बात, ये UHF माइक होता है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। ये देखिए यहाँ पर भी लोगों के साथ बहुत धोखा होता है, या फिर जो है यहाँ पर भी लोगों को थोड़ा सा जो है मिसगाइड जाता है, मिसगाइड किया जाता है। तो ये चीजें जो है यहाँ हम क्लियर बताते हैं सबको, फंक्शंस के बारे में, रिकॉर्डिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। सिंगिंग करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मेरी गारंटी है, 5 मिनट के लिए आप बैठेंगे, 3 घंटे से पहले नहीं उठेंगे। मुझे तो जब आप इसके बारे में बताया तभी लग रहा था कि आप सिंगिंग ही कर रहे हो। क्या हुआ तेरा वादा, इससे ज्यादा अगर बता देंगे आप क्या हुआ, तो फिर इस पे कॉपीराइट आ सकता है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ये 18,500 रुपए के अंदर, मतलब बहुत आतंक है, बिल्कुल आतंक है, बिल्कुल इसमें कोई। और उससे भी बड़ी आपको बात बताता हूँ कि यार बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती मेरी, ये अगर फ्यूचर में कभी इसकी बैटरी डेड हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप बैटरी चेंज कर सकते हैं यहाँ से खोल के। यहाँ के लिए ये प्रोडक्ट आपके लिए कभी भी वेस्ट नहीं है, और इसके साथ साथ AC DC दोनों है, बैटरी से भी चला सकते हैं और बिजली से भी इसको चला सकते हैं। अगर दोनों नहीं है, कहीं आप हिल स्टेशन पे कहीं घूमने गए हैं, तो आपकी कार की बैटरी से भी चार्ज करके इसको चला सकते हैं। अच्छा जी, 3 सोर्स है इसको प्ले करने के लिए, मतलब गाड़ी में भी डाल के ले जा रहे हो, तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि अगर बिजली नहीं है तो नहीं चला सकते, तब भी चला सकते, तब भी आप कार की बैटरी से चार्ज करके उसको ऑपरेट कर सकते हो। चलिए पाजी, अगर किसी को परचेजिंग करना है, एक तो ऑनलाइन कर लिया, अगर कोई दिल्ली का ही बंदा है, वो साउंड चेक करके, दिल्ली NCR का है, लोकल है, आना चाहता है, तो एड्रेस एक बार बता दो। एड्रेस मेरा WZ B51 संतगढ़ एक्सटेंशन, रविदास मंदिर लैंडमार्क है, मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट हमें पड़ता है तिलक नगर, ब्लू लाइन है, बस वहां पर आके आप वहां से यहां हमारे आ सकते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पड़ता है। उससे भी बड़ी चीज आपको बता दूं कि ये 2 नंबर दिए हुए हैं, यहां पर आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके लोकेशन लेके आ सकते हैं, या फिर आप गूगल मैप के ऊपर सर्च कर लीजिए फ्लो बीट्स तिलक नगर, सीधा मेरी लोकेशन पे आएंगे आप।